नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी जवानों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों का आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, DADR यानी कि महंगाई भत्ता हो गया फाइनल, जारी हुआ आदेश। तो आइए दोस्तों देखते हैं जनवरी 2020 से आपको अब कितना मिलेगा महंगाई भत्ता इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई तथा लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के बीच अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े दिसंबर महीने के प्राप्त हो चुके हैं, जिनके आधार पर जनवरी 2020 से केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, अर्धसैनिक बलों तथा तमाम पेंशन भोगियों को जनवरी 2020 से जो महंगाई भत्ता मिलेगा उसकी गणना होगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रेस रिलीज है 31 जनवरी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसके आधार पर अब आपका सूचकांक गत माह के 328 के मुकाबले 2 पॉइंट बढ़कर 330 पर पहुंच गया है, यानी कि आपके सूचकांक में 2 अंक की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, सूचकांक के बढ़ने में सबसे ज्यादा मुख्य सहयोग रहा खाद्य समूह का, पेट्रोलियम का, स्कूल फीस, मेडिसन्स इत्यादि का। तो दोस्तों, 7CPC द्वारा रिकमेंडेड DA कैलकुलेटर में जब हम ये उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े महीने दर महीने इसमें फिलअप करेंगे तो उस समय हमको जनवरी 2020 से मिलने वाला महंगाई भत्ता निकल कर सामने आ जाएगा। अगस्त महीने में ये आंकड़े थे 320, सितंबर में ये आंकड़े थे 322, अक्टूबर में ये आंकड़े थे 325, नवंबर में ये आंकड़े थे 328 और अब दिसंबर में ये आंकड़े हो गए 330। तो दोस्तों, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका महंगाई भत्ता निकल के आया जनवरी 2020 से 21%, यानी कि 4% की बढ़ोतरी हुई दोस्तों। और दोस्तों, 2 महीने के बाद में भारत सरकार इसका नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी करेगी, तो आशा करता हूं कि मार्च या अप्रैल की इस तनख्वाह के साथ आपको बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। अगर मार्च की तनख्वाह में आपको ये मिलने लगेगा तो 2 महीने का एरियर दिया जाएगा जनवरी फरवरी का, और अगर अप्रैल के महीने की तनख्वाह में ये आएगा ऐड होकर तो आपको एरियर मिलेगा 3 महीने का। दोस्तों, ये थी जानकारी, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।